हेलो गाइस, मैं प्रदीप भगत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PK7P में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NCERT क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 9 कबीर की साखिया का क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैप्टर का समरी वाला वीडियो यानी सारांश वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक मैं आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ, जाकर जरूर देख ले। अगर आप क्लास 8 का कंप्लीट वीडियो यानी चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे रखा हूँ, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहे। पहला क्वेश्चन है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज का कद्र की जानी चाहिए। दिखावटी वस्तु तो कोई महत्व नहीं होता। जिस प्रकार तलवार की मजबूती और उसकी धार देखी जाती है, किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि जाति धर्म। और उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। म्यान का मतलब होता है जिसमें हम लोग तलवार को रखते हैं, यानी तलवार का कवर भी बोल सकते हैं। असली वहम को पहचानो और उसी को स्वीकार करो। देखिए दोस्तों, जिस तरह से आप जब कोई मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल का वैल्यू होता है, मोबाइल के पीछे लगा हुआ जो कवर है उसका वैल्यू नहीं है। उसी तरह से आपका अंदर जो ज्ञान है वह ज्ञान का वैल्यू है, आपका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आपके इंसान तो बहुत सारे, लेकिन आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या ज्ञान है, उसका आपके अंदर क्या खूबी है, क्या काबिलियत है आपके अंदर, वो देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहू दिशा फिर है यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते। कबीर दास जी इस पंक्ति के द्वारा केवल माला फेर कर दिखावे और आडंबर की भक्ति करने वालों पर व्यंग करते हैं। कहते हैं कि भगवान का स्मरण एग्रचित होकर करना चाहिए। एग्रचित का मतलब होता है संपूर्ण ध्यान मग्न होकर करना चाहिए। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और हम राम राम का जप कर रहे तो वह भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। इससे आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस तरह से आप जब पढ़ाई कर रहे तो आपका पूरा तरह से ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। जिस तरह से आप यह एडुकेशनल वीडियो देख रहे तो आपका पूरा तरह से ध्यान यह वीडियो को देखने में होना चाहिए, न कि ऐसे वीडियो टाइम पास के लिए देख रहे और दूसरे तरफ बात कर रहे दूसरे से, तो ऐसे में इस वीडियो देखने का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर घास की निंदा करने में क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हो रहा है कि जो दोहे आप बुक में पढ़े उसके आधार पर इसको आंसर देना है। घास का अर्थ क्या होता है, पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होते। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यह है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो उसे तुच्छ समझकर, तुच्छ का मतलब होता है छोटा, निंदा नहीं करना चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। यानी इसका मतलब हो रहा कि मान लीजिए आप पढ़ने में बहुत तेज है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी आपका जो फ्रेंड है वो पढ़ाई लिखाई में आपसे बहुत कम है। आप मान लीजिए 80 पाते हैं तो वो 50 पाते हैं। आप उसका इंसल्ट करते कि ये पढ़ना लिखना नहीं आता, इसको ये लड़का है वो ऐसा है वगैरह। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बंदा आज आपसे हो सकता है कमज़ोर है पढ़ने में, कल वो आपसे ज़्यादा मार्क्स ला सकता है, कल वो आपसे आगे बढ़ सकता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। और वह जिस दिन आपसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा उस दिन आपको इंसल्ट फील होगा, क्योंकि वो आप एक दिन उसका इंसल्ट करते थे। समझ में आया? इसलिए कभी भी अपने से छोटे व्यक्ति का, अपने से जो कमज़ोर है, वीक है, उसको कोई भी चीज़ में इंसल्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर, और कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। यानी यह जो मीनिंग है, यहाँ पर आपको मीनिंग दिया हुआ है, यह मीनिंग कौन सा लाइन का मतलब है, ये लाइन को यहाँ पर लिखना है। समझ में आया? आपको मीनिंग नहीं लिखना है, आपको वो दोहे लिखना है जिसका यह मीनिंग मैच होता है। आइए देखते हैं कौन सा दोहे। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन में, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात कही गई है। आपा का मतलब क्या होता है? आपा का मतलब घमंड। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ होता है,
या घमंड का, ये कौन सा मीनिंग है? या तो स्वार्थ का है या घमंड का मीनिंग है, कौन सा यहाँ पर आपा का मतलब निकल कर आता है देखते हैं। या आपा को इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अहंकार का मतलब क्या होता है? घमंड। या आपा घमंड का घोतक है जो मनुष्य में धन बल या अन्य कारणों से उत्पन्न हो जाता है। इसी घमंड के कारण वह किसी को कुछ नहीं समझता और सबको अपने ही हीन मानता है। यानी आपा का मतलब घमंड होता है या अहंकार होता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर घमंड या अहंकार हो जाता है वह व्यक्ति उसी दिन खत्म हो जाता है। यानी आप बहुत पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे, लेकिन आपको खुद के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ, लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं तो ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कर लूँगा। ज़्यादा एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए खुद के अंदर, खुद को अंदर ज़्यादा घमंड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपसे भी बड़े बड़े इस दुनिया में है मेरे भाई। आप तो इस सिर्फ इस क्लास का है, आपसे भी बड़े बड़े इस दुनिया में है, और वो ऐसे घूम रहे हैं जिसको जरा भी घमंड नहीं है। इसलिए आपको खुद का ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वासों में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। आपा और आत्मविश्वास में, आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है, क्या अंतर हो सकता है देखते हैं। आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ होता है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपने ऊपर विश्वास। आपा और उत्साह, आपा का अर्थ अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ होता है किसी काम को करने का जो जोश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में कई बार कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। कबीरदास के निम्नलिखित साखी हमें समानता का संदेश देता है, क्या देता है आगे जानेंगे। देखिए ये लाइन यहाँ पर दिया गया क्या है, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। यानी इस दोहे में कबीरदास जी कहे कि मनुष्य को राह में पड़े तिनके का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे उसका अस्तित्व तुच्छ ही है। तुच्छ का मतलब बहुत छोटा। उसी तरह समाज में हर प्रकार का भेदभाव समाप्त होना चाहिए, चाहे वह जाति के आधार पर हो या आर्थिक के आधार पर। यानी जो व्यक्ति बहुत अमीर होते हैं वे गरीब व्यक्ति को कुछ नहीं समझते, तो या जो ऊंची जाति के लोग हैं वे नीचे जाति के आदमी को कुछ नहीं समझते। तो ऐसे जाति पाति का भेदभाव को नहीं करना चाहिए, आपस में सभी समान हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है? कबीर के दोहे को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है, साक्षी का मतलब होता है आंखों देखा, यानी आंखों देखा हुआ हाल, उसे साक्षी कहते हैं। इसमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया जाता है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को अपनी साक्षी ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। यानी आंखों देखो जो उनको ज्ञान मिला था, इस ज्ञान के द्वारा ही ये सारे भेदभाव आडंबर रीति रिवाज को वो भंग करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त कबीर का हर दोहा कुछ न कुछ सीख अवश्य देता है, इसीलिए उन्हें साखी कहा गया, अर्थात सीख देने वाला। अगला क्वेश्चन है, भाषा की बात यानी हिंदी व्याकरण। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है, जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाती है, मन से मनवा बन जाता है, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण का परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ नए शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। यानी ज्ञान, जीभी, पाव, तली, आंखी, बरी। यानी ज्ञान का हम लोग कैसे लिखते हैं नया में ज्ञान, इस तरह से। जीभी को हम लोग लिखते हैं आधुनिक में जीभ, पाँव से लिखते हैं पाँव, तली से लिखते हैं तले, और आंखी से लिखते हैं आंख, बरी से लिखते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी से समझ में आ गया या चैप्टर क्लियर हो गया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी मन में क्वेश्चन है, कोई शंका है, तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सबको भी शेयर कर दीजिए। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।